स्वर्ग के सभी सुराज्य के सुपुत्र उनको भारी मात्रा में विजय बनाए और विधानसभा में आने का विधायक बनाकर भेजे, ताकि आपका हर सुख दुख का कार्य वो विधानसभा में कर सके। इसी वक्तव्य के साथ एक बार फिर से आप बोलेंगे, सचिन पायलट, सचिन पायलट। धन्यवाद। आज के लिए चुनावी सभा में ये जिनका आप बड़े बेसमय से इंतजार कर रहे थे, भारत माता की, अब मैं हमारे जीवन में केजरीवाल जी आकर उन्होंने जो इंतजार करे श्रीमान केजरीवाल जी। सबसे पहले मैं आज मेरे मम्मी और पापा को प्रणाम करता हूं, जो जैसे आज मंत्र बोलने के काबिल हुआ हूं। मैं आज लोगों से एक विनती करना चाहूंगा, आज आप सब लोग प्रशांत जी की सभा में आए, सबसे पहले प्रशांत वर्मा, दोस्तों आपसे ये बात करता हूँ, आज मन के लिए बात करता हूँ, अपना फोन सबसे मजबूत दोस्तों आज आप दोस्तों में आए हो, आज आए प्रण लेंगे कि मेरा फोन सबसे मजबूत है, सब हाथ खड़े करके बताएंगे कि मेरा फोन सबसे अच्छी मदद है, मुझे आज दोबारा बताना और सब हाथ खड़े करो, मेरा फोन सबसे मजबूत खड़े है, मेरा फोन सबसे मजबूत, एक बार मेरा फोन सबसे मजबूत। सभी सम्मानित कॉर्पोरेशन माननीय विराजमान सभी नेतागण, आज की इस आमेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई प्रशांत जी के समर्थन में आज की चुनावी सभा में हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित सचिन पायलट जी, एनडीसीसी के प्रभारी सचिव भाई योगेंद्र यादव जी हमारे बीच में पहुंच गए हैं, बड़े गर्व जी के साथ में हेलीकॉप्टर से यहां उतरते हुए उनका स्वागत किया गया है और अब वो गाड़ी से रवाना होकर हमारे बीच में पहुंच रहे हैं। मंच पर बैठे लोगों से मेरा आग्रह है कि पीएनडीसी के पदाधिकारियों के अलावा जो लोग हैं वो सामने लिए आकर आगे अपना काम कर ले, क्योंकि पहले साहब आते हैं एक प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और वरिष्ठ नेताओं के अलावा जो साथी है वो इसको अन्यथा नहीं है आगे आ जाए, सामने आ जाए, क्योंकि मंच की एक कैपेसिटी होती है, मंच पर उनके साथ भी कोई पदाधिकारी नेता का है, इसलिए आपसे मेरा विनम्र आग्रह है, आप सब लोगों से मेरा एक बार पुनः आग्रह है कि एएन हमारे बीच में हमारे लाडले मुख्य अतिथि सचिन पायलट पहुंच चुके हैं, आप सब लोगों से मेरा आग्रह है, आप सब लोग कांग्रेस पार्टी के अनुसार सिपाही है, आप अपना अपना स्थान ग्रहण करें, बैठने का स्थान सुनिश्चित करें। ये जो सेवा करने के साथ थोड़ा आगे आ रहे हो, व्यवस्था को बनाने एक बार थोड़ा आगे आ रहे हो, सचिन पायलट जिंदाबाद जिंदाबाद। मंच पर जो है मुकेश यादव जी को सबको जो लिखे हैं तेजस्वी जी लिखे करवाओ सबको, जिसका बड़े लंबे समय से हम इंतजार कर रहे थे, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष, एआईसीसी के प्रभारी सचिव सम्मान्य देवेंद्र यादव जी, आपका मैं आज की चुनावी सभा में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब के नेता राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे लाडले अध्यक्ष सम्मान्य सचिन पायलट जी का मैं गर्म ऋषि के साथ में सभी तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, योजना चालीस सचिन पायलट जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
साथ में हमारे प्रशांत शर्मा जी, हमारे यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी, उनका भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। भाई वीरेंद्र यादव जी, भाई सतीश बेंद्रा जी, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अब मैं प्रशांत शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आमिर विधानसभा क्षेत्र से प्रशांत शर्मा जी यहाँ मंच पर बहुत सारे का बैठे हैं, क्योंकि मैं देरी से आया हूँ और मुझे आगे दो सवाल और करनी है। मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ और इस आमिर विधानसभा क्षेत्र को मैं अपना क्षेत्र मानता हूँ, इसलिए अधिकार से आप लोगों से मांग रहा हूँ। 7 तारीख को विधानसभा के चुनाव है, 5 साल तक हम लोगों ने संघर्ष किया है नौजवानों के लिए, किसानों के लिए, और 5 साल का लंबा इंतजार खत्म हुआ है। 7 तारीख को आप सबको अधिकार मिलेगा राजस्थान की तस्वीर बदलने के लिए, नौजवानों के भविष्य को सुधारने के लिए। जहां का हम लोग है, हनुमानगढ़, गठबंधनगढ़, जालौर, जैसलमेर, जोधपुर, जालौर, बूंदी, कोटा, नागौर, जौनपुर, दौसा, करौली, जिस जिले में सभा करी है, छत्तीसगढ़ के लोगों ने आश्वस्त किया है कि 7 तारीख को वसुंधरा जी की सरकार का कोरिया पिछड़ा पान के यहां से विदा करेंगे। अभी वसुंधरा जी की सरकार रही, इस सरकार ने 5 साल तक जो महंगाई का हाल किया है, आप सब जानते हो, माता रहने देती है, बता दो मुझे कितने का कैसे सिलेंडर, 1000 रुपए का, 1000 रुपए का गैस का सिलेंडर है। अभी मैं सवाल कर रहा था, मैंने पूछा भाई पेट्रोल डीजल कितने का है, उन्होंने कहा था पेट्रोल डीजल हो गया किसी महंगा। ये हाल राजस्थान में है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, नौजवान जगह भटक रहे हैं। अलवर जिले में अभी 4 नौजवान लड़कों ने 22-24 साल के लड़के थे, उन्होंने आत्महत्या की। अपना जीवन अधिकार में देखते हुए, भविष्य अधिकार में देखते हुए, इस प्रदेश में अगर नौजवानों के मनसूबे टूट जाएंगे, उनकी उम्मीद खत्म हो जाएगी, उनको भविष्य अपना अंधकार में दिखेगा, तो हमारा समाज किस तरह से होगा। वसुंधरा जी ने 5 साल में अगर कुछ किया तो बहुत मेहनत लगा के 2-3 काम किए, देखो बोलना भी चाहिए, जो काम किया है बताना चाहिए। उन्होंने बहुत ध्यान से और सोच समझ कर सबको बैठ के टोल नाप के 2-3 काम मुझे बताता हूँ। पहला, बजरी का ठेका किसको देना है, दूसरा शराब का ठेका किसको देना है, तीसरा धान का ठेका किसको देना है। पूरे प्रदेश से लूट बचाकर इस बीजेपी सरकार का पाप का घड़ा पूरा भर चुका है, इस पाप के घड़े को उलट दो, 7 तारीख को परिवर्तन आएगा, ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, प्रशांत शर्मा जी को कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने और हम सब ने मिलकर आपके भरोसे पर यहां पर चुनाव लड़वाया है। आज चैनी शर्मा साहब दुनिया में नहीं है, लेकिन स्वर्गीय पायलट साहब के साथ, रमा पायलट जी के साथ और मेरे साथ मिलकर इस क्षेत्र के लिए जो विकास के काम करवाने उन्होंने, मैं तो जानता हूं। इसलिए दोस्तों, नौजवान साथियों, ये चुनाव तो छोटा मोटा चुनाव नहीं है, ये चुनाव मैं मानता हूं कि हम लोगों के लिए अब तक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। इस चुनाव में कोई भेदना मत, कोई भूल मत जाना, ये एक एक वोट कीमती है और चुनाव के समय इतने सारे दल, इतने सारे नेता पैदा हो जाते हैं, तो हमें भेदना नहीं है। चुनाव से पहले चील, हाथी, घोड़ा, कबूतर, तोता, इतने सारे दल आ जाएंगे, लेकिन किसी दल से वोट नहीं डालना, वोट डाल के खराब मत करना। आप लोगों को वोट डालनी है हाथ के निशान पर। पिछले 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार के खिलाफ जो जो आंदोलन हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, प्रशांत शर्मा जी ने मेरा जो साथ दिया है, पार्टी के लिए जो काम किया, इस आमेर क्षेत्र की जनता 24 घंटे उनको रही, बहुत सोच समझकर हम लोगों ने पार्टी में उम्मीदवार बनाया है।
मैं 36 कौम के लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, राज कांग्रेस का बन रहा है, सरकार कांग्रेस की बन रही है। मैं चाहता हूं कि आमिर का विधायक कांग्रेस का है, बड़े भाई हमारे प्रशांत शर्मा जी को जिताकर भेजो, पूरे प्रदेश में चुनाव चल रहा है। लेकिन जो हक और अधिकार मुझे आमिर पे है, पहले मैं बताऊं है कि नहीं। इस आमिर की जनता ने पाले साहब को, रमा जी को, मुझको जितना आशीर्वाद दिया बचपन से लेकर आज तक, जब कभी दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी, परेशानी होती थी, मैं देश के पीछे मुड़कर देखता था कि और कोई हो ना हो, लेकिन आमिर के लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, हमारे साथ खड़े हुए हैं। इसलिए आपको मैं आग्रह करूंगा, ये वक्त चुनौती का भी है और अवसर का भी है। इस अवसर को हाथ से मत खोना। कुछ लोग बहकाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, लालच देंगे, जाति का, बिरादरी का, गोत्र का, अरे भूल जाओ सबको। हम सब लोग इस देश के इलाके में एक एक वोट के मालिक हैं, हम सब बराबर के नागरिक हैं। इस राजस्थान और आमेर के भविष्य को अगर सुनहरा बनाना है तो हम सबको प्रशांत शर्मा जी को जिताकर विधानसभा भेजना है। और साथियों, मैं चुनाव लड़ रहा हूं कौन से, राहुल जी ने मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहा, चुनाव में लड़ रहा हूं। मैंने भी 18-20 सालों में बहुत चुनाव लड़ लिए, सांसद रहा, मंत्री रहा, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, लेकिन ये पहली बार राहुल जी ने मुझे कहा तो मैं विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूं। इस विधानसभा के चुनाव की मतगणना 11 तारीख को होगी, 7 को मतदान होगा, 11 को मतगणना होगी। टोंक के लोगों ने यह आशीर्वाद मुझे दिया है कि वहां से कांग्रेस पार्टी जीतेगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक चीज मांगने के लिए आया हूं। जब 11 तारीख को परिणाम आए और मैं टोंक से जीतूं, तो मैं चाहता हूं कि राजस्थान की विधान